अकाल की वचनबद्धता दोहराई है कि जिहड़ा संघर्ष साडे शहीदां वल्लों शुरू किया गया सी ओह उस दे पूर्णियां दे उत्ते चलदे होए अगे वधणगे। उन्हां दा संघर्ष जिहड़ा अज वी निरंतर जारी आ और जिहड़े जख्म इंडियन स्टेट ने सानूं दित्ते सीगे ओह जख्म ना असीं भुल्ले आ ना साडी ओह पीड़ मुक्की आ और ना ही असीं अज तक इंडियन स्टेट नूं माफ़ कीता आ। और जिहड़ा साडा संघर्ष आ उहदा रस्ता भी नौजवानों ने साफ दस्या है स्लोगनिंग करके कि उन्हों का रस्ता इतने इंडिया दे विच रह के इंसाफ लैना नहीं गा जां इंडिया दे विच रह के हाल दुआई पा के रोंदे रहना नहीं गा। उन्हों का रस्ता उन्हों की मंजिल जी उन्हों की आज़ादी आ उन्हों की मंजिल जी वो खालिस्तान इस धरती के उत्ते रूपमान करना आ। और ये मैसेज भी इंडियन स्टेट के गृहमंत्री अमित शाह जी ने जिहड़े बंगलौर दे विच बैठे तो कोहां दूर है कहिंदे भी पंजाब दे विच कोई खालिस्तान की मूवमेंट नहीं गी उन्होंने आके अपनी एजेंसियां दे राहीं वेख लैना चाहिए आप भी उन्होंने आके वेखना चाहिए ही इतने भी की वाकया जी तुम गल कहते हो बिना ग्राउंड की रियलिटी असैस किए कि वो तुहाडी गल सच्ची है जां झूठी आ। अकाल तख्त साहिब नूं पंथ जिहड़ा हमेशा मानता दिंदा आया और दिंदा रहना है पर उत्ते बैठे बंदिया नूं मानता सिर्फ उदण मिलनी है जिदण वो अकाल तख्त साहिब दे उत्ते बह के सही पंथ दीआं भावनावां दे तहत फैसले करनगे। और जिहड़ा खास तौर दे उत्ते बादल दल आ उहदे जिहड़ा राजनीतिक जिहड़ी उहदी सोच आ उहदी जिहड़ी राजनीतिक आइडियोलॉजी आ उह तों बाहर निकल के जदों इक आज़ाद हस्ती दे तौर दे उत्ते अकाल तख्त साहिब नूं विचारा दुनिया दे विच विचारणगे उदों ही जिहड़ा आ लोक जिहड़े ने उह तुहाडे मगर भी खड़नगे तुहाडी हर गल नूं मन्नणगे भी। जे एकता होणी आ ते उह सब तों पहलां अपनी क्रैडिबिलिटी बहाल करनी पाऊगी और क्रैडिबिलिटी जिहड़ी आ उह बादल दल दे थल्ले रहिंदिआं कदी वी बहाल नहीं होणी। पत भेत ते हमेशा रहिंदे ने उहदे घरां दे विच वी जिहड़े आ उह प्यो दे पुत नाल हुंदे आ पुत दे अगे जिहड़े आ उह अपने माँ बाप दे नाल हुंदे आ भरावां भैणां दे नाल हुंदे मतभेद होणा कोई वड्डी गल नहीं गी मतभेद अपने आप हट जांदे हुंदे आ पर गल इह आ ना वी मतभेद हटाउण दे लई किसे नूं ते अगे आउणा पवेगा ना किसे नूं ते पहलकदमी करनी पवेगी ना। सो अकाल तख्त साहिब नूं पहलकदमी करनी चाहीदी आ अगे आउण और पंथक भावनावां दे तहत फैसले लैण अपने जिहड़े राजनीतिक फैसले आ उह वी पंथक भावनावां दे तहत लैण ना कि किसे इक पार्टी दे तहत ते अपने मतभेद जिहड़े सारी दुनिया भुल जांदी हुंदी।